कैसे हो दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं टी फिशिंग टैक। तो मैं आपके लिए एक नई जेलीफिश लेकर आया हूँ। पिछली वीडियो में आपने देखा है होगा, नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। ये बहुत ही ख़ास किस्म की जेलीफिश है, जैसे ये देखिए आपके सामने पड़ी हुई, ये वाइट कलर में होती है और इसके ऊपर छोटे छोटे दाने बने होते हैं। देखने के लिए बहुत खूबसूरत होती है लेकिन उतनी ही डेंजर भी होती है। जी हाँ, जैसे एक रेड कलर की, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं रेड कलर की, आपको छोटा सा एक वीडियो भी दिखाऊंगा, वो जाल में बहुत ही फंसती हैं और बहुत ही तकलीफ़ होती है वर्कर को, तो उसका वीडियो मैं अभी आगे दिखाऊँगा। लेकिन सबसे पहले आप ये जेली फिश देख लीजिए। ये देखिए, ये मछली पर मछली को शिकार करती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये देखिए इसमें जो यहाँ पर, ये देखिए ये बहुत सारी मछलियों को शिकार करती है। और ये देखिए इसके अंदर जो पूरा एक खोखा होता है, खाली जगह होती है जिसमें ये अपने शिकार को जमा लेती है। और ये देखिए यहाँ पर, एक बार इसके जाल में अगर इसके अंदर फंस गई तो वो धीरे धीरे कर कर इसको हज़म कर लेता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, और ये इंडियन जेलीफिश है जैसे होते हैं इसके, जैसे हमारे हाथ होते हैं इसके भी यही होते हैं, यही शिकार के लिए इसको मदद देते हैं। इसी से ये जैसे इंसान को जैसे लगती है जब जिंदा होती है तो जैसे झटका लगता है, ऐसे मछली को भी ये झटके देकर अपने काबू में कर लेती है। तो अब यहाँ देख सकते हैं, देखिए जाल में बहुत सारी फंसती हैं और इतनी तकलीफ़ होती है कि इसको खींचने में, जाल को आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए तो जो आपने देखा रेड कलर की जेलीफिश, ये बहुत ही, इससे भी बहुत ही ख़तरनाक होती है और इंडिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो चलिए इस वाइट कलर की जेलीफिश की तरफ चलते हैं और आप वो ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा, उसमें भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आई बटन। तो चलिए मैं इसको फेंक देता हूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।